हिमाचल प्रदेश विधानसभा मॉनसून सत्र का आज छठा दिन है और तमाम जानकारी के लिए हमारे मौजूद हैं संजय अवस्थी जी, संसदीय कार्य मंत्री। आइए उन्हीं से जानते हैं क्या कुछ वो कहना चाहेंगे। किस तरह देखते हैं आप विपक्ष की कार्यप्रणाली मॉनसून सत्र का आज छठा दिन? आज मॉनसून सत्र का छठा दिन है और बड़ा दुख का विषय है कि विपक्ष द्वारा जिस तरह से यहाँ पर जो प्रदर्शन किया जा रहा है और ये जो विधानसभा का सत्र है, ये पहली बार हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के इतिहास में हुआ कि मानसून सत्र जो है 10 दिन का रखा गया, 10 बैठकें इसमें होंगी। और ये सत्र इसलिए रखे जाते हैं, विधानसभा का सत्र इसलिए रखा जाता है कि ताकि पूरे प्रदेश की समस्याओं को इस पटल के माध्यम से उसके समाधान के लिए प्रयास करें। और लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी जो है मुद्दा विहीन पार्टी बनकर रह गई है और उनका एजेंडा सिर्फ स्थिर सरकार को, स्थायी सरकार को अस्थिर करने का है। इस तरह से अविश्वास प्रस्ताव की बात की गई, लगातार वॉकआउट किया जा रहा है, जनता के जो मुद्दे हैं वो नहीं उठ पा रहे हैं, विपक्ष जो है वो सहयोग नहीं दे पा रहा है, खुद नियमों के तहत चर्चाएँ मांगते हैं, चर्चाओं से बाहर निकलते हैं। क्या लगता है कि जो विपक्ष की भूमिका है वो इसी तरह रहती है या फिर कहीं ना कहीं केवल सुर्खियां बटोरने के लिए इस तरह के कदम उठाए जाते हैं? ये सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए इस तरह के कदम उठा रहे हैं और इनके पास कोई भी मुद्दा नहीं है। और ये हाउस में एक चीज़ और देखी इस बार कि ये इट सीम्स टू बी अ डिवाइडेड हाउस, आपस में इनका जो है समन्वय नहीं लग रहा है और यही वजह है कि आज वो अपनी जिम्मेवारियों से भाग रहे हैं और लगातार जो है वो सदन में नहीं बैठ रहे हैं। आखिरी प्रश्न जानना चाहेंगे, कर्मचारियों का वेतन जो है वो रुका है, पेंशनर्स की पेंशन रुकी है, विपक्ष ने भी इसको लेकर सरकार को कल भी घेरा और कह रहे हैं कि कर्मचारियों को जो है कहीं ना कहीं बच्चों की फीस देनी होती है, लोन की किस्तें देनी होती है, तो कब तक जो है इनकी सैलरीज अकाउंट में आ पाएंगे? देखिए, कर्मचारियों के प्रति प्रदेश सरकार की क्या भावना है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री क्या वो उनके बारे में सोचते हैं, उनके वेलफेयर के बारे में, उस चीज़ का जीता जाता जागता जो उदाहरण जो है वो ओपीएस लागू करने का है। और जब चुनाव के समय में ये माननीय मुख्यमंत्री जी सहित जो और प्रदेश में जो हम प्रदेश की जनता के समक्ष जो हमने 10 गारंटियों का योजना पत्र रखा था, उसमें सबसे पहली गारंटी योजना ओपीएस को लागू करने की थी यदि सरकार बनती है। तो जैसी सरकार बनी, सबसे पहले तो हमने देखा कि आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने और प्रदेश सरकार ने इस बात को ज़्यादा गंभीरता से लिया कि जो हमने वादा किया कर्मचारियों के प्रति उसको पहले पूरा करना है और हमने ओपीएस लागू करी। यही से पता लग जाता है कि प्रदेश सरकार जो है कर्मचारियों के वेलफेयर के लिए जो है प्रतिबद्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, थैंक यू। तो ये थे संजय अवस्थी, संसदीय कार्य मंत्री। मैं अपने सहयोगी पुष्पेंद्र चौधरी के साथ सुनील परमार, MHO न्यूज़, शिमला।